हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7 इंटू एच, ऊंचाई कितनी है 20। तो 7 से 7 चला जाएगा, 22 × 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 154 इंटू 20। तो 154 को 2 से मल्टीप्लाई कराए करने पर आएगा 308 और 0 का 0, 3080 मीटर क्यूब, 3080 मीटर क्यूब। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, 3a माइनस 4b माइनस 2c का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2bc माइनस 2ca। तो ये जाएगा 3a माइनस 4b माइनस 2c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 3a into 4b प्लस 2b, बी की जगह आ जाएगा 2 4b इंटू 2c माइनस 2 इंटू सी इंटू 3a, इसका आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 416b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 12 24 24ab प्लस 4 × 8 8 × 16 bc माइनस 3 3 12 12 ca। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। तो 5 men + 6 women एक कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकती है। 3 men + 5 women उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है, 9 दिन में पूरा कर सकती है। तो 3 से चला जाएगा 2 बार, ये 3 से चला जाएगा 3 बार, 3 से, तो ये हो जाएगा 5 × 10 men + 12 women बराबर 3 × 9 3 × 9 men + 5 = 15 women। तो मेन बराबर थ्री वुमेन तो आ जाएगा मेन बटा वुमेन। मेन की स्पीड आ जाएगी 3 और वुमेन की आ जाएगी 1। तो 2 पुरुष, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं, तो एक काम हो गया 5 पुरुष, 5
इंटू तीन प्लस छह महिलाएं, छह इंटू महिला की स्पीड एक कितने दिन लगाती है, 6 दिन में, तो 5 15 और 6 21, 21 × 6 126 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाती है, कितने दिन लगाएगा, 126 यूनिट काम है पूरा उसको। तीन पुरुष तो एक पुरुष की स्पीड 3 की, तो 3 की हो जाएगी 9 की, और 2 महिलाएं तो एक महिला की स्पीड 1 की है, तो 2 की हो जाएगी 2 9 और 2 11, 126/11 ये हो जाएगा 11 सही 5/11 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, निम्न योजनाओं में कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है, सर्वाधिक लाभकारी। तो पहली योजना 5 खरीद पर 3 मुक्त, तो 5 खरीद पर कितनी मुक्त पा रहा है, 3 खरीद कितना रहा है, 8 × 100, तो ये हो जाएगा 37.5% की छूट। दूसरी 5 खरीद पर 6 पाए, कितनी पा रहा है, 6, मतलब एक मुक्त पा रहा है, खरीद कितनी रहा है, 6 × 100, तो इसका हो जाएगा 16.66%। तीसरा 10% और 5% की 2 कार्मिक छूट, तो 10 + 5 − 10 × 5/100, तो 0 से 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट पॉइंट पांच, तो ये हो जाएगा 10 से 5 15.5%। तो कौन सी योजना सर्वाधिक लाभकारी है, तो इसके अंदर पहली योजना सर्वाधिक लाभकारी है, पहली ये वाली। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो अगर 1920 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और अगर उस वस्तु को 1500 रुपये में बेच रहा है तो हानि, तो दोनों को जोड़ लेंगे 1500 और 1900, तो आ जाएगा 20 और 5 14 का 4 असली की 1, 3420 दो का भाग देंगे आ जाएगा 1710, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1710, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1710/100 × 110, 0 से 0 0 से 0, 171 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से 1710 और 171 ये हो जाएगा 1888 1881। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का व्यास, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये कितना दे रखा है अपन को, 36 पाई, पाई से पाई चला जाएगा, तो r³ बराबर 3 × 36/9, 9 से 9 से 9, कितनी बार चला जाएगा, 9 से 4 बार, r³ = 27, r बराबर हो जाएगा 3, r बराबर 3, तो गोले का व्यास होता है 2r, तो 2 × 3 = 6। आगे देखे स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने और 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदार है, तो ए बी और सी 6 12 और 14 दो का भाग देंगे, तो 3:6:7, और उनके लाभ का अनुपात है 5:4:7, 5:4:7, अभीष्ट अनुपात हो जाएगा उसका 5/3, 4/6 और 7/7, तो ये हो जाएगा इसके अंदर अपन उसका हो जाएगा इसको इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/3, तो एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5:2:5:2:3। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले अपन को इनको बढ़ते हुए क्रम में
रखना पड़ेगा। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहला छोटा कौन है? सबसे पहला जाएगा 11, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 16, फिर इसके बाद 17, फिर इसके बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 33, 33 के बाद 51, 51 के बाद 71, 71 के बाद 75। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है तो पांचवा और छठा पद भाग दो, पांचवा पद और छठवा पद इसके बाद भाग दो, तो पांचवा पद कौन सा आ गया? 18, और छठवा पद 22। 18 प्लस 22 भाग दो, 40 भाग दो, ये हो जाएगा 20। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, बी की आयु सी के 1/3, तो 2:1:3 इनकी आयु का योगफल, योगफल हो जाएगा 42, अनुपातों का योग हो जाएगा 6, 6, 7, तो इसकी हो जाएगी 7 × 14, इसकी 7 और इसकी हो जाएगी 7 × 21, तो ए और बी की आयु का योगफल, ए और बी की 14 + 7 = 21 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, 0.424 को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, 24 के ऊपर बार है तो पूरी संख्या उतार लेंगे, 424 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भाग, जितनों के ऊपर बार है उसका आ जाएगा 99, जितनों के ऊपर बार है उसका आ जाएगा 0, तो 424 में से 4 चला जाएगा तो 420 भाग 990, तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 3 से 14 / 33। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।